वेलकम बहनों, आज आपका फिर से स्वागत है वॉइस ऑफ जैसलमेर अन्नपूर्णा पाकशाला में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाना मेथी और मिर्ची की सब्जी, जिसके लिए हमें चाहिए। तो मेथी और मिर्ची की सब्जी बनाने के लिए हमने लिए है एक बाउल मेथी, लगभग 50 ग्राम, 50 ग्राम हरी मिर्च जो हमने इस तरह से 1 इंच की काट ली है और इसके बीज लगभग निकाल लिए। थोड़ी सी हींग, थोड़े से करी पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा पिसा हुआ, थोड़े से काजू, इसमें गुड़, तेल, बनाने के लिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा और थोड़े से धनिया सजाने के लिए। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेथी और मिर्ची को अलग अलग उबालेंगे। उबालने के लिए हमने पानी को पहले से गर्म करने के लिए रख दिया है। तो हमारा पानी भी उबल गया है, मेथी डाल देंगे। इस तरफ भी हम मिर्ची डाल देंगे। दोनों तरफ हमने पानी रखा है उबलने के लिए। मेथी को भी हम 5 मिनट उबालेंगे। तो हम देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं, हमारी मेथी भी लगभग उबल गई है, थोड़ी सी बाकी है। ये मिर्ची को देख लेते हैं, मिर्ची बहुत अच्छे से उबल गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और नीचे उतार लेंगे और पानी से निकाल लेंगे। देखिए बहुत अच्छे से निकल गई है। तो मिर्ची हमारे उबल के तैयार हो गई। मिर्ची भी हमारी उबल गई है, इसको हम उतार लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे इस तरह से। तब तक हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तेल डाल देंगे गरम होने के लिए। तेल हमने 2 बड़े चम्मच लिए हैं। हमारा तेल गरम हो रहा है, हम देख लेते हैं। मिर्ची हमारी, मिर्ची बहुत अच्छे से उबल गई है। जब ये नीचे बैठ जाए तो आप समझ लो कि ये बहुत अच्छे से उबल गई है। अब हम इसको धो लेंगे चार से पांच पानी निकाल के। तो मिर्ची हमने निखार के धो ली है 4 से 5 पानी। ये बहुत अच्छे से उबल गई है। आप ध्यान रहे, ये मेथी ज़्यादा भी नहीं उबाले, नहीं तो ये फूट जाती है और फूटने से ये कड़वी हो जाती है। तो हमारा तेल भी गर्म हो गया है। सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। करी पत्ता, हींग, अदरक, हम अच्छे से भून लेंगे इसको। अब हम मिर्ची को डाल देंगे। आप अगर तीखा खाना पसंद करें तो बिना उबाले भी मिर्ची डाल सकते हैं।
एक ही। नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर बिल्कुल थोड़ी सी, लगभग आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर लगभग दो चम्मच छोटे, अमचूर पाउडर एक छोटा चम्मच, काजू किशमिश, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, आप जितना मीठा पसंद करें उस हिसाब से डाल सकते हैं। गुड़ के पकने तक हम इसको पकाएंगे। आप चाहे तो थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो आइए अब हम देख लेते हैं, हमारा गुड़ भी अच्छे से पक गया है, हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसी तरह की और भी रेसिपीज देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए वॉइस ऑफ जैसलमेर। धन्यवाद।